असद भाई आप यहाँ पे क्या करने हैं? यार इतने तो सारे पौंडी कर नहीं आंदे आते, असें भी वही कुछ कर रहे हैं। आप इधर क्या करने आई हैं? खेलने आई हूं। खेलने आई हैं? मुबारक हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद जनाब बाग में और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी आवाम मौजूद है और इनसे पूछते हैं और बातचीत करते हैं कि लोग यहाँ पे क्यों गए हैं और आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। तो चलो आए हम अपने टाइम को जाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लोगों से बातचीत करके वीडियो को इन्जॉय करते हैं। वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या बोला? 14 अगस्त को क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप इधर क्या करने आए हैं? आपको ढूंढने आया हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? असद। अच्छा असद भाई आप यहां पे क्या करने हैं? यार इतने तो सारे पुंडी कर नहीं आंदे आते, असें भी वही कुछ कर रहे हैं। अज दे नाम दा की मकसद है? आज दे दिन आउन दा मकसद आ, भाई ने मेनू पार्टी पाई सी की ते कह रहे सी पिज़्ज़ा खवाओ, ते इनू पिज़्ज़ा खवाउन लई आए, फिर कहंदे के नाल हुण असीं पिज़्ज़ा हज़म करना वा। पाकिस्तान जिहड़ा आजाद होया सीगा, इह इस्लामी कंट्री बनी सीगी। पाकिस्तान आजाद होण दा मकसद इही आ कि आ जिहड़ा कंजर खाना इत्थे पै रिहा वा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਯਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਹੀ ਦੋਸਤ ਆਸ਼ਿਕ ਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਪੱਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੱਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या करने आया भाई? वैसे एंजॉयमेंट करने आए हैं, 14 अगस्त का इवेंट जो है वो एंजॉयमेंट करने वाला है। 14 अगस्त को क्या हुआ था? फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। आजाद हुआ था? पहले कैद था? पहले कैद था। क्या आजाद कैसे हुआ था? आजाद सर हमारी मेहनत से हुआ था, जो हमारे पुरखों ने मेहनत की है उनकी खून का सिला है ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान को आजाद क्यों करवाया गया सर? इसलिए था कि ये हम जैसे भाइयों के लिए बने। नहीं, इसका मकसद क्या था? जो बेसिक मकसद है, पर्पस है, वो क्यों मकसद क्या है? जो है इसका वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल जिंदाबाद। कायद आजम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई यहाँ पे क्या करने आए? बस एंजॉय करना है 14 अगस्त का पाकिस्तान में। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ था। कहाँ से आजाद हुआ था? क्या पहले पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्या जो इसका मकसद है वो पूरा हो रहा है? क्या जो इसका मकसद है वो पूरा हो रहा है? नहीं, वो नहीं पूरा हुआ। क्यों नहीं पूरा? कमरानी नहीं आई। क्या आप इंडिविजुअली तौर पे आप खुद पूरा करें इस मकसद को? आवाम जो कर रही है वो ठीक है, बाकी ये हुआ देखो हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भैया, का नाम? याकूब खान भैया। फैसलाबाद कहीं लग रहे, किधर से आए हैं? 7 Town सरगोधा रोड। तो ये खुसूसी इधर क्या करने हैं? ये सर 14 अगस्त एंजॉय करने आए हैं, आजादी का दिन है। तो 14 अगस्त को क्या हुआ था? क्या बोला? 14 अगस्त को क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप इधर क्या करने आए हैं? आपको ढूंढने आया था। मैं तो अभी आया ना। तो कौन सी आप कह रहे हैं आजादी मनाने हैं? आजादी कौन सी आजादी मनानी है? जो 1965 की जंग में हमने इंडिया वालों से। 1965 की जंग में? नहीं,
अब देख लिये फिर वही फिर सवाल शुरू हो गए। नहीं तो ये मैं पूछ रहा हूँ अपना 14 का साल गैर मना रहे हैं, आजादी मना रहे हैं 1947 कौन सी आजादी मना रहे हैं 1947 पक्की बात है दोबारा सोच ले 1947 वाली 1942 या 1970 47 कन्फर्म है। तो आजादी का मकसद क्या था? आजादी का मकसद एक अपने लिए अलहदा वतन, जिस जैसे वो जुल्म हो रहा था पहले, आपको आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप खाम खाम सा रहे हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि मकसद क्या है इसको हासिल करने का, क्यों हासिल किया गया? मनीर ये हमारा मकसद जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान का हासिल किया वो पूरा हो रहा है? जी सर इंशाल्लाह ताला भी पूरा हो रहा है और मजीद इसको बेहतर करने के लिए सर यही इकदामात है कि हमें अपनी कौम को समझाना चाहिए। जो इकदामात इस टाइम चल रहे हैं हालात में, जिस तरह की महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, इस लिहाज से देखें ना कि हर पाकिस्तानी ही परेशान है इस बारे में। लेकिन हमारा पाकिस्तान का मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लिए तो महंगाई का कोई तलक नहीं है। सर इबादत के लिए महंगाई का कोई तलक नहीं है, इबादत के लिए तो इंसान का तलक है ना। तो लेकिन जो इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होने के लिए हमने ये पाकिस्तान का मुल्क हासिल किया था, तो क्या लोग इस्लाम के ऊपर अमल पैरा है? सर जो है पहले की नस्बत अब जो है ना वो इस्लाम पर अमल पैरा नहीं है। नहीं है? नहीं है सर। आपका नेम क्या है? हम घूमने आए। क्यों आज क्यों घूमने आए? 14 अगस्त की खुशी में घूमने आए। 14 अगस्त को क्या हुआ था? आपको नहीं पता? किसके साथ आई है इधर? मम्मा पापा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? सुहेल। सुहेल इधर क्या करने हैं? इधर वैसे ही आए हैं जैसे सारे लोग आए होते हैं। कुंडी करने हैं? ना नहीं ऐसे काम नहीं करते हम, कौन सा आप जैसे। तो इधर फिर क्यों आए हैं? वैसे 14 अगस्त दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने आया हूं और कुछ नहीं। तो 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हुआ 14 अगस्त को? पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क हमारा है, वो बना था, आजाद हुआ था हिंदुस्तान पूरा, तो फिर पाकिस्तान बना है। तो 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान का मकसद क्या है? मकसद यही है कि भाई कामयाबी जो है वो की जाए हर तरीके के लिहाज से, मतलब के अपने आप को अच्छा बनाया जाए ताकि हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। नहीं पाकिस्तान का मकसद क्या है, पाकिस्तान को क्यों हासिल किया गया है? इस्लाम का जो है वो जो तरीका है वो नाफिज किया जाए, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। 74 साल जरूर पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ऐसा करने जैसा जो मकसद था उसको पूरा करना हो तो क्या किया जाए? हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाए फिर कुछ हो सकता है, इस तरह हुक्मरानों पर छोड़ देंगे फिर तो कुछ नहीं होगा। ओके भाई थैंक यू। आप इधर क्या करने आई हैं? खेलने आई है। क्यों? ऐसी शौक है। अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल जिंदाबाद। कायदे आजम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई आपका नाम? नूर हनान। क्या? नूर हनान। अच्छा भाई किधर से हैं आप? हम मुजिरिस्तान से। मुजिरिस्तान से। इधर क्या करने हैं? इधर पढ़ता है। नहीं अभी इधर क्या करने हैं? अभी इधर एंजॉय करने के, शुगल करने के लिए। किस चीज को एंजॉय करने आए हैं? बस वैसे 14 अगस्त शुगल करने के लिए, 14 अगस्त एंजॉय करना है। तो 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, लेकिन आजकल जो पाकिस्तान आजाद हुआ है अब फाटा हमारे इलाके आजाद नहीं हुए, उधर लोग 14 अगस्त नहीं मनाते, इधर मनाते हैं। नहीं उधर क्यों नहीं आजाद हुआ, उधर क्यों नहीं मनाते लोग 14 अगस्त? लोगों का ऐसे सहूलियात जैसे इधर मिले हुए आजाद, या हमको आजादी नहीं मिले हुए, इधर लोगों को आजादी मिले हुए और फाटा के लोगों को आजादी नहीं मिला है। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान का मकसद क्या है आजाद होने का? पाकिस्तान का मतलब मकसद ये है कि हम आजाद हो गए, बस हर चीज हम खुले करके कर सकते, लेकिन आजकल जो फाटा का लोग है वो आजाद नहीं है। तो वो लोग आजाद क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी पाकिस्तान के साथ आजाद हुए थे। वो पाकिस्तान के साथ आजाद हुए थे, लेकिन उसको हमारे जो बड़े हैं बड़े अफसरान वगैरह वो आजाद नहीं देंगे और तरजीह उनको नहीं देता है। क्या वहाँ पे अभी भी वो बादशाही हुकूमत चलती है? नहीं उधर भी फाटा भी जम हो गया, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर वो जो जुल्म करते हैं और बड़े बड़े वो अभी तक भी शुरू है, हमको आज़ादी नहीं मिला है। और अभी 14 अगस्त में लोगों ने 14 अगस्त से बाइकाट भी किया और काले झंडे भी लगाया, और हमारा MNA 8 महीनों से जेल में है, वो भी रिहा नहीं हुआ है, उसको नहीं रिहाई मिल रही, उसका कोई गुनाह भी नहीं किया, वो अभी तक जेल में है। तो आप गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ हमने बड़े एहतजाज भी किया, धरने भी किया है, हम हुकूमत के साथ बहुत ये कहते हैं कि हमारा MNA को रिहा करें। तो MNA को कौन सा MNA आपका जो कहता है? अली वजीर।
अली वजीर, तो वो रिहा क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? बस उसको बाजवा ने कहा कि आप माफी मांगे। हम ये कहते हैं अगर बाजवा अदालत में बैठे हुए तो ठीक है, हमें ये समझ नहीं आता कि बाजवा जर्नल है या अदालत में बैठा हुआ है, वो कोई चीफ जस्टिस है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि हमने उसको रिहाई देना है तो वो माफ़ी मांगे, बाजवा कहता है। चलें ठीक है, हम आपकी इनके आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद साहब किधर जाए हैं? मैं एक पेटा खरीदने वाला हूँ, बेसिकली यहाँ पर मेरा जो है बिजनेस है फैसलाबाद में जी। अच्छा, तो इधर क्या करने हैं? यहाँ पर 14 अगस्त का दिन है और हम खुशी मनाने के लिए 14 अगस्त के मौके पर निकले हुए जी। तो ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ी नियामत है हम पर, जो जिस दिन हमें 14 अगस्त देखने को मिला है। तो 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिसे हम खुशी मना रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, क्या पाकिस्तान आज़ाद है इस वक्त? बिल्कुल आज़ाद है। मैं तो समझता हूँ अगर आज़ाद नहीं होता तो ये चेहरे मुस्कुराते हुए नजर नहीं आते आज, तो माशाल्लाह हर चेहरे पर मुस्कुराती नजर आ रहा है, खुशियाँ नजर आ रही है हर जगह पे। अच्छा, तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो हर एक ही जुबान पर आ रहे एक ही लबों पे है। क्या ये मकसद पूरा हुआ है? बिल्कुल माशाल्लाह पूरा तो हुआ है। जो इस तरह कोई अपने आज़ादी से घूम रहा है यहाँ पर, आज़ादी से हर कोई घूम तो रहा है, लेकिन जो बेसिक मकसद था हमारा इस्लामी तालीमात पे अमल करना, तो क्या हर बंदा इस मकसद को पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं पूरा, शुक्र है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान माशाल्लाह जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कभी यहाँ पर हिंदू कबीला भी रहता है और सिख कबीला भी रहता है, जो है ईसाई कबीला भी रहता है, कभी किसी को कोई टेंशन नहीं हुआ है माशाल्लाह। जो है हम लोग एक आज़ाद मुल्कत है, तो यहाँ पर अब कोई अपना आज़ादी से घूम रहा है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा जो इंडिया में मुसलमान जैसे तंग होते हैं कभी, तो यहाँ पर कभी हिंदू को ऐसी शिकायत नहीं मिला है, वो भी आकर हमारे पाकिस्तान के साथ खुशियाँ मिला करते हैं और ईद के मौका पर हमारे साथ ईद ही मनाते हैं, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, और यही तो आज़ादी है। ओके सर, आपको मैसेज देना चाहिए आवाम को? बस आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मौके पर, खुशी के मौके पर हर फैमिलीज, हर बहन जो है, हर बेटी, हर फैमिलीज का खास ख्याल रखा जाए, और यही हमारे जो है सब यहाँ पर जैसा हमारी फैमिली नहीं करते, लोगों के फैमिली अलग करते हैं, और हमें चाहिए कि उन फैमिलियों का खासकर लेडीज़ और बच्ची बच्चियाँ का ख्याल रखना चाहिए मौके पर। ओके।